दोस्तों, अक्सर हम बहुत महंगी महंगी सामान मार्केट से खरीद कर लाते हैं और जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उन्हें हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं या कबाड़ में फेंक देते हैं। जिन्हें जो वेस्ट होती हैं उनको इस तरह फेंक देते हैं। तो कुछ मैंने छोटी सी एक कोशिश की है ऐसे ही वेस्ट चीज़ों से कुछ अच्छा सा डेकोरेट करने की। तो आई होप मेरा ये आइडिया आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों, मैं हूँ पवित्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द स्वीट बॉटनिस्ट में। तो देखिए दोस्तों, एक ये ट्रे पड़ी हुई थी मेरे पास, ये देख रहे हैं आप। अक्सर ये दिवाली पे गिफ्ट में आ जाती हैं इस टाइप की ट्रे। तो लगभग 2-3 साल हो गए थे और इस तरह इसको पड़े हुए, और इसका कलर भी फेड हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको साफ़ करके इस पर पेंट किया जाए। और इस तरह मैंने ये साफ़ करके दोस्तों इस पर पेंट कर लिया। और मेरे पास और भी बॉटल प्लांटर पर बॉटल पड़ी हुई थी, जैसे कि कॉफ़ी की बॉटल वगैरह। तो अब इसमें मैं पेंट करूँगी दोस्तों। ये देखिए एशियन पेंट का ये पेंट है गोल्डन कलर का। तो मैं सब पे एक गोल्डन ही कलर करूँगी सारे में। ये देखिए एक कोट तो मैंने इसमें कॉफ़ी की बॉटल में कर दिया है। ये ऐसे ही फालतू पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको यूज करूँ। तो ये देखिए एक ये है जैम की बॉटल, और इस पे पहले मैंने दोस्तों देखिए ये चने की दाल से मैंने इसको डेकोरेट किया था और आपसे वीडियो भी शेयर किया था मैंने इसका। तो अब मैं सभी पर इस तरह से ये गोल्डन कलर जो है मैं कर दूंगी। इसके लिए हमें ब्रश चाहिए दोस्तों, और मैंने पेपर बिछा के और अच्छे से इस पर पेंट किया। तो एक बार के कोट में तो देखिए इस तरह से इस पर आ रहा है, और जब ये सूख जाएगा तो मैं दोबारा फिर इस पर पेंट करूँगी ताकि बहुत अच्छा सा कलर इसमें ये आ जाए। तो इस तरह दोस्तों हमें कुछ ना कुछ अपने घर में डेकोरेट करने के लिए जो वेस्ट चीज़ें पड़ी रहती हैं उनसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ऐसी ही छोटी सी कोशिश है मेरी। और ये देखिए इस तरह मैं इसमें पूरी ट्रे में इस तरह पीछे से भी इसमें मैं पेंट कर लूँगी। तो दोस्तों इस तरह मैंने दोबारा इस पे पेंट कर दिया है, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है ये। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इस तरह मैंने इन पे पेंट कर दिया है। तो दोस्तों कुछ भी आप अपना सामान इसमें रख सकते हैं, ब्रश वगैरह भी रख सकते हैं या पेंसिल पेन पेंसिल भी रख सकते हैं। तो मैं दोस्तों मेरे को पेड़ पौधों से ज़्यादा प्यार है, तो मैं प्लांट लवर हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसमें मैं पानी में अपने कुछ प्लांट्स इसमें ग्रो करूँगी, जो बहुत इजीली पानी में ये प्लांट्स चल जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह ट्रे में रखे, और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और कुछ प्लांट्स मैं इसमें ग्रो कर दूँगी। तो पहले मैं लूँगी दोस्तों स्नेक प्लांट। ये देखिए ये कुछ कटिंग्स में से स्नेक प्लांट की लेके आई हूँ, और इसमें ये लीफ डाल दूँगी। बहुत अच्छे से पानी में चल जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगेगा इस
गोल्डन, और ये देखिए ग्रीन कलर। इस तरह मैं इसमें स्नेक प्लांट डाल दूंगी, और भी प्लांट दोस्तों आप डाल सकते हैं, स्पाइडर प्लांट डाल सकते हैं अगर आपके पास हैं तो। और ये देखिए कुछ है एरेंथेमम की पत्तियाँ, और देखिए रूट्स भी इसमें आ गई हैं क्योंकि ये मैंने पहले ही पानी में ये ग्रो कर रखा है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे कॉर्नर में सजा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा दोस्तों, या टेबल पर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मनी प्लांट मेरे पास पहले से ही ग्रो हो रहा था पानी में, तो वो भी मैंने इसी ट्रे में रख दिया है। और ये सब इकट्ठे रखे हुए एक ही जगह बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप एक कॉर्नर में रख सकते हैं या डाइनिंग टेबल के बीच में रख सकते हैं, जैसे कि मैं इसे डाइनिंग टेबल के अपने बीच में ही रखूंगी, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत। तो बाय बाय दोस्तों।